दुआ क्या हुआ यार? हाँ बोलो ना। नहीं बोला 17 जहाँ भी चले जाओ जो दिल करे। तो यहाँ से भी मुबारक हो तुम लोगों को, लाख लाख मुबारक हो। और जो भी अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हम सब, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और खैर ऑफिस होंगे। अच्छे अपने कहने में जब लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और कह रहे थे सो रखा और मेरी वाइफ ने मुझे उठाया कि भाई उठो तुम्हें जाना नहीं है। मैंने बोला कहाँ, तो बताया कि भाई नैना के नैना बेबी होने वाला था, तरफ जाना था। अभी पेट्रोल की स्मेल है इधर, पता नहीं क्यों, शायद स्पाइक खड़ी उसकी वजह से। तो खैर अभी जो मीर और हमजा घर पे सो रहे हैं, अबू का मैंने बोला देख रहे ना, आप अभी जाते थे तो मैंने बोला जब उठे तो बता देना। तो खैर अभी चलते उधर पास में ही हॉस्पिटल है, वहाँ से होकर आते हैं हम। तो गैस हॉस्पिटल तो आ गया लेकिन पता नहीं अभी बेबी आए कि नहीं आए, अभी पूछते चलते। तो गैस अभी से मिलने हैं जिसका बेबी हो गया, लेकिन अब बेबी को ना मशीन में रखा हुआ। खैर बाद मैंने भाई तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें मुबारक हो और मुझे भी मुबारक हो, शर्म करो। तो यहाँ पर सब आए हुए। खैर अभी हम लोग जाते हैं घर, क्योंकि 2-2.5 घंटे हो गए और मीर जना पीछे रो रहा होगा। बाय बाय, हम लोग बाद में आएंगे, बेबी उठा के भाग जाएंगे यहाँ से। मीर काटी करेगा। आज बहुत अच्छा दिन है अल्हम्दुलिल्लाह से। आज आपका भाई जना मामू बन गए, क्या बोलते हैं मामू बन गए, और क्या फर्स्ट टाइम मामू बना हूँ गाइस, फर्स्ट टाइम। तो मतलब मामू बन गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। आज जना नैना के घर पे जना एक बेबी हुआ है और माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा बेबी है। तो हम लोग, मैं सो रहा था, मेरी वाइफ ने मुझे उठाया कि भाई उठो यार तुम्हें जाना नहीं। मैंने बोला कहाँ जाना है, तो इन्होंने कहा कि उनकी जना वो बेबी होना था। मैंने बोला यार मुझे पता ही नहीं है, मुझे लगा शाम में होगा, रात के टाइम ऐसे कुछ सो के सो गया था। तो खैर वहाँ पर गए, बेबी को देख कर आए, क्योंकि हमारे बच्चे भी यहाँ पर सो रहे थे, हमजा और मीर सो रहे थे, इनको सोते हुए चले गए थे अबू और आपा थे तो घर पे। तो हमने बोला कि आप लोग जो ना इनको देखते रहना। डड्डू कैसी हो, सलाम करो। हाँ सब ठीक है। तो इसलिए हमने उनको जो ना मतलब घर पे, फिर हम लोग वहाँ पर 1.5-2 घंटे वहाँ पर रहे थे जब नैना आ गई थी, फिर बेबी को देख के हम लोग आ गए थे। अभी बाद में फिर से जाएंगे, शाम को अबू को छोड़ना है और अभी मुझे जो काम है वो निपटा के आता हूँ। तुम्हें पता है छोटा बेबी और भी आ गया, देखे का। हाँ देखे, हाँ। कहाँ देखे, लड़का है। तो गए अभी जो ना हम लोग जा रहे हैं अब्बू को छोड़ने, और मेरे पास है हमजा, हमजा सलाम कर। और आप कैसे हो, अब्बू को छोड़ने चलने? नहीं हमजा को तो नहीं लेके जाऊँगा, क्योंकि अब्बू के जाने पे ये खुश हो रहा था, इन दोनों के आपस में नहीं बनती, आपस में आइटम लड़ते रहते हैं, तो इसलिए हमजा नहीं जाएगा। नहीं यार अब्बा इतने सारे बैग बना के जा रहे हैं, मुझे लगता है इसके इरादे खतरनाक है। अब्बा आने का इरादा नहीं है क्या? नहीं। तो फिर ये दो दो इतने बड़े बड़े बैग लेके काम। हम लोग कहीं जाए ना जाए तो आपको पहले जल्दी पाएगी अब्बा, छोटा बैग लेके जाते जान सुकून से। ये इतना भारी है ना, मुझे लगता है कि इसके अंदर ना अपने जितनी जिंदगी में कुछ कमाया ना सारा इसी के अंदर। तो गाइस बस अड्डे पर हम लोग आ गए थे, अब्बू को हमने यहाँ पर बिठा दिया, और जो ना अबू के जो ना यहाँ पर दो बैग थे, अबू के बैग रखवा दिए। ये स्केट बोर्ड है जो कि अली के लिए लिए थे कल, और बहुत मज़े वाले, इसकी लाइट भी जलती है, ये देख रहे हो। हाँ तो ये अबू जो ना ऊपर अपने जो ना ऊपर जो बैटिंग दिखाओगे ना वहाँ पर रखेंगे। सही है भाई, हमजा हमजा यार जाए अबू, छो यार शर्म कर हमजा, शर्म करो। क्या लगा दिया? हाँ छोड़ दो उसको, छोड़ दो। तो गए अब्बा की सीट मिल चुकी है, 16 नंबर सीट है। हाँ ये 16 नंबर सीट है, आप इसका भी जिस सेट पे चले जाओ जो दिल करे, 16-17 जहाँ भी चले जाओ जो दिल करे। तो यहाँ से भी बैठ के ना सारा कुछ देखता भी रहेगा, लग्जरी सीट मिली, चलो आ जाओ। हाँ हाँ भाई आपने टिकट तो मतलब बहुत मस्त वाली कराई है, पैसा आ गया ना आपके पास अभी। अरे हाँ चल 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 अब को बाय बाय का, चल बाय बाय बोल, चलो हाफिज। यार अब फिर उतर गया, अभी हम इसको अंदर बिठा के थे, फिर से आ गया। फिर क्यों आ गया भाई, पानी की बोतल यहाँ से कहीं से नहीं मिलेगी, आगे रुकेगी ना सुराब गोड में, वहीं से लेना, वहाँ पे 1-1.5 घंटा रुकेगी सुराब गोड में, यहाँ से जाएगी 1-1.5 घंटा रुकेगी, वहाँ से जना सुकून से ले लियो और हमें दुआ भी देते। यहाँ कितने बजे का इसका था? 6:15, बस 10 मिनट तक ये निकल जाएगी और कल अब पंजाब पहुंच जाएंगे। वाह मौसम भी बढ़िया है और अब्बे की बस भी बढ़िया है, चलो ठीक है भाई। यार अभी 15 मिनट रहते हैं, जब तक मैंने अब्बे को पानी की बोतल एक लेकर दे देता हूँ, यहीं से यहाँ से मिल जाएगी आराम से। ये रही फ्रिज और यहाँ से हम लोग पानी की बोतल ले लेते हैं। यार वहाँ से तो नहीं मिली थी लेकिन यहाँ से मिल गया, और मैंने यहाँ से जूस भी ले लिया और जो ना बोतल भी ले ली पानी की। कहाँ है अबू? ये रहा अबू, ये रहा। पिजन कौन सा जूस पिएगा?
हाँ? कौन सा जूस पियोगे? कौन कौन सा? चॉकलेट है, स्ट्रॉबेरी है, मैंगो है, बता जल्दी बता। चॉकलेट चॉकलेट तुम ले लो, मैंगो मैं ले लेता हूँ, और दूसरा स्ट्रॉबेरी अपने को देते हैं, ठीक है? चलो भैया लो, मजे मारो, रुको। अबू को हम लोग छोड़ के आ गए, और अभी हमजा से पूछते हैं, हमजा कैसा लग रहा है? हाँ अच्छा लग रहा है, रास्ते में तो रो रहे थे, ऐसे रो रहा था, ये देखें। ड्रामे कर रहे थे आप? वही बिजी बाजू उठ गया बेबी, बेबी अभी सो रही है, जब उठेगा फिर। चलो अपनी गाड़ी साफ करता हूँ, क्योंकि सुबह हम लोग गए थे उस टाइम मैं नींद में था, तो मतलब बेबी को देख के हम लोग आ गए थे, जो लेना का हुआ है, अल्लाह तला उसको लंबी सेहत और तंदुरुस्ती दे। तो अभी हम लोग पूरी फैमिली जा रहे हैं उसके पास, और जो क्योंकि आज का दिन वो पूरा वहीं पर रहेगी, और जो कल उसको छुट्टी मिलेगी, क्योंकि मेरे ख्याल वो ऑपरेशन हुआ ना, इस वजह से सी सेक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वही हुआ है। तो अभी हम लोग जाते हैं अपनी गाड़ी साफ करते हैं, जब तक ये ऐसा आ जाएंगे। हाँ ना यार, एक दो दिन बारिश आई ना, तो हमारी गाड़ी का कपड़ा तो साफ हो गया, लेकिन अंदर से नहीं पता कि अंदर से क्या कंडीशन है, क्योंकि मुझे लगता है पानी कुछ ना कुछ गया तो होता, अभी तक भी ये गीली लग रही है मुझे तो। लेकिन यह कपड़ा साफ हो गया, पहले बहुत गंदा हुआ करता था। अरे यार पागल पागल चुप करो। वैसे यार पानी की वजह से ना वो कपड़े का काफी हद तक गाड़ी साफ ही खड़ी हुई है, हल्का फुल्का तो जाता ही जाता है, लेकिन बाकी काफी हद तक जो ना बेहतर है। हाँ साफ है, सिर्फ मट्टी लगी हुई है, देखो बात समझो, साफ है लेकिन मट्टी लगी हुई है। सो गाइस अभी गाड़ी में हम लोग सब बैठ चुके हैं, गाड़ी साफ कर देते, मेरे तो पसीने छूट गए थे। खैर अभी गाड़ी का एसी भी चलाया, एसी ठीक करा लेते हैं बीच में, तो अभी चलते हैं। चले भाई सब तैयार हो? हाँ आएगी आएगी, रुक जा। चलो मीर चले, मीर आपने सलाम नहीं किया, सलाम करो। इधर इधर देखो, इधर देखो, बोलो माशाल्लाह। चलो भाई, तो गाइज हॉस्पिटल में हम लोग आ चुके हैं, अभी फैमिली को लेकर जा रहे हैं। इसका नाम था क्या, साउथ सेंट्रल हेल्थ केयर, जो कि दो तलवार पर है, उसी के साथ में मीर। सो गाइज अभी हम लोग जो ना इधर आ चुके हैं, और जो ना यहाँ पर बेबी के साथ सारे बच्चे खेल रहे हैं। दो फाजा कैसा लगा बेबी? अच्छा। कितना अच्छा लगा? मीर बेबी कैसा है? अच्छा है। हाँ अच्छा, उसको हाथ नहीं लगाओ दादा। वैसे अभी छोटा है ना, अभी छोटे ना उसको हाथ नहीं लगाते, छोटे बच्चों को नहीं लगा। मीर 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 क्या हुआ भाई, बेबी ने क्या कर दिया? नहीं मीर बिस्किट नहीं खाएगा बेबी, छोटा सा है मीर। शैतानी शरारती बोलते, शरारती करने लग गया अभी से। मीर बेबी अच्छा है? बेबी का नाम क्या रखोगे? इसका नाम हमजा रखा था, बर्फ। मैं जब पूछा बोलता है बर्फ है जी, आपने रखा था इसका नाम बर्फ। अच्छा दुआ क्या हुआ यार? हाँ बोलो ना, नहीं लगा है, बोलो बोलो इसको गद्दा नहीं करो यार। दुआ प्यारा है ये भैया है, ले चले इसको घर ले चले। हाँ दादा ले चले घर, क्यों नहीं। क्यों इसको जेल, इसको जेलस हो रही, जेलस इसको अभी से जेलस हो, जेलस हो रही जी। काला नहीं है, बात तमीज ऐसे नहीं बोलते। बच्चे बेबी से हमने मिल लिया, और अभी हम जा रहे हैं घर वापस। मीर बेबी कैसे है? हाँ सो रहे ना। हाँ और ये लोग ना बेबी को बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं। दुआ कैसे है? अच्छा है। हाँ अच्छा है, अच्छा है भाई। तुम लोगों को तुम्हारा बेबी पसंद आया? नहीं है तो बोलो, हम ले जाते हैं फिर। बदतमीज लोगो, चलो भाई मुबारक हो तुम लोगों को, लाख लाख मुबारक हो। और बेबी जो ना गाइस अभी फिलहाल इसके अंदर सो रहा है, तो जैसे जब मीर जितना होगा आपको दिखा देंगे। कैसे मीर? नहीं नहीं इंशाल्लाह बहुत जल्दी कर देंगे। तो भाई इनका जो ना बेबी बॉय हुआ है, जो कि उन्होंने खुद ही बता दिया, तो अल्लाह ताला इनको बहुत बहुत नसीब करे जी। मीर ये बेबी का है? हाँ आयो तुम लोग चलो, ये जो ना यहाँ पर बहुत शोर कर रहे हैं, और बेबी बेचारा ना डरेगा, तो इसलिए हम लोग चाहते हैं हाँ इसको सोने दो, ये ना उसको बच्चों को बहुत तंग कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ से अभी ना जा रहे हैं वापसी। चलो भाई क्या बोल रही हो? उसकी माँ का है? हाँ तो उसकी माँ का है, मैंने कब बोला कि तेरी माँ का है। तो गाइस सीन ये है कि पार्किंग थी नहीं, और मैंने जो ना पार्किंग लगा दी इस जगह पे, ये देखो
ऐसे अब मैंने मतलब जिद करके लगा तो दिए अजान। अब गाइस लगा तो दी मैंने गाड़ी, लेकिन सीन ये कि अभी गैस के गेट नहीं खुल रहे। मतलब गेट खुल जाएगा तो मैं निकलूंगा कैसे? निकलने की जगह नहीं। अगर निकलने की जगह तो ना यार इस साइड से शायद मैं निकल जाऊंगा। मैं से देखता हूँ यार, इस बंदे ने गाड़ी बहुत गलत लगाई। मतलब उस साइड पर अच्छी खास जगह पड़ी थी, फिर भी इसने ऐसी जगह छोड़ी के मतलब कोई आ ना सके। लेकिन आजकल मैं बन गया थोड़ा हैवी सपाटा ड्राइवर ना, तो मैंने अंदर घुसेड़ दी कि भाई लगाऊंगा मैं। अभी मैंने लगा तो दी, इधर भी गाड़ी इधर भी गाड़ी, लेकिन यहाँ से तो मैं बिल्कुल भी नहीं जा सकता। ये देखो इतना फासला छोड़ा है मैंने कि अब जब ये निकालेगा ना फिर इसको भी पता चलेगा किसने गाड़ी लगाई है। उस साइड से शायद वाली बारे थोड़ी सी जगह बन जाए, देखता हूँ मैं। तो गैस यार यहाँ से मैं निकल पा रहा हूँ, मतलब एक ही पाँव निकल पा रहा है मेरा, दूसरा नहीं निकल पा रहा, और मेरा टम्मी जो ना फंस जाती है इसके अंदर। अम्मा पीछे वाला खोल के देखता हूँ। सो गैस फाइनली मैं कामयाब हो गया। ये देखो इसके अंदर मैंने गाड़ी घुसेड़ दिए और पीछे वाले इस गेट से मैं निकल आया था। चलो अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। इस साइड से थोड़ी सी जगह थी ना, यहाँ से मैं निकल गया हूँ। लेकिन अब जब ये निकलेगा नहीं, देखो इसके पास कितनी जगह थी, इसके पास करके खड़े कितनी जगह थी, दो गाड़ियाँ आराम से लगती हैं। खैर अभी चलो इसी को ही प्रॉब्लम होगी जब ये निकालेगा। मैंने भी इसके साथ चिपका तो दिया, लेकिन अभी जो ना मेरा वो बन नहीं होगा, कपड़ा नहीं चढ़ा सकता इसके ऊपर। तो अभी चलते हैं बाहर की तरफ। बाहर से मतलब है कि हमें लेना है ड्रॉप्स, जो कि इनहेलर बोलते क्या बोलते हैं, जो कि भैया वेंटोलिन, क्या वेंटोलिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, खैर मैं समझ नहीं आ रही क्या बोलते हैं उनको, डॉक्टर को बोलूँगा समझ आ जाएगी, मेडिकल वालों को, जो ना वो जैसे सांस चढ़े तो बखार के लिए होता है जो वेंटोलिन, क्या क्या बोलते हैं, नाम ही नहीं पता। खैर उनसे बोले कहते हैं क्योंकि यार मेरी थोड़ा तबीयत ख़राब है, तो इसलिए उसको ना भी नोबलाइजर वाले कतरे यार, तो नोबलाइज के कतरे लेकर आते हैं उसके लिए। कतरे लेने गया था और मेरी वाट लग के आ चुकी है, और मैं भी गया था इसको कतरे लेने, मतलब वो नोबलाइजर वाले। और जो ना हुआ ये था कि भाई मेरी जो बाइक है ना इसमें से ना आग लग गई थी, इसके जो ना बैटरी वाली साइड पे, उसकी बैटरी की जो तारे हैं ना वो बॉडी से टच हो गई थी, तो एकदम से ना धुआं और आग ऐसे निकल रही थी, हल्के निकल रही थी। मैंने जो ना जैसे ही मतलब देखा ना हल्का सा, तो मैंने उसी टाइम जो ना इसको रोक दिया, और अच्छा और मैं दिमाग काम किया, मैंने वही जो बैटरी वाली साइड ना उसको टाप खोल के ना उसकी तारें जो ना बहुत गर्म हो गई थी, मतलब आग लग रही थी उनको, तो उनको ना जल्दी जल्दी हटाया है। पूरी वायरिंग जल चुकी है, लेकिन बच बचा हो गया कि भाई ये पूरी बाइक जली नहीं है, क्योंकि करंट सारा ना वो ऊट पटांग हो गया था। एक तो कल हमने छेड़ा था इसको, और आज सुबह इसकी पूरी वायरिंग नहीं करानी पड़ेगी, बस बच बचा होगी। अंदर से मैं सुबह आपको दिखाऊंगा, सारी जल चुकी है जो वायरिंग है ना वो, और बैटरी फुल फटने वाली थी, बस अच्छा हुआ बच गई। कभी लोग हम यही पेंट करते हैं, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और गए आज शुक्र है मैं बचा हो गई, मेरी बाइक की जो ना बैटरी फटने वाली थी, लेकिन शुक्र है वो जैसे ही मतलब मुझे पता चला कि धुएं और थोड़ी थोड़ी आग निकले, तो मैंने उस टाइम ना मेरे दिमाग काम किया और मैंने वो उसको खोल के ना जल्दी बैटरी के ना वो तारें निकाल के फेंक दी, और उसको ना बिल्कुल बैटरी को अलग कर दिया मैंने। पता नहीं कैसे दिमाग का, लेकिन जो भी कोई अच्छा ही काम आ गया, तो बैटरी ना बिल्कुल गर्म हो गई थी, फटने वाली थी, तेरी बैटरी नहीं फटी। चलो अच्छा है जो भी है, अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है बच बचा होगी। और दूसरे बात, नए नए लोगों का बेबी हुआ है, अल्लाह ताला उनको बहुत बहुत मुबारक करे, और बच्चे को लंबी सेहत उम्र दे, लंबी सेहत दे, और खेले कूदे फूदे फले भाई ऐसे ऐसे। और मैं भी फर्स्ट टाइम बार बार भरूँ, मतलब मैं भी मामू बन गया, तो एक ये भी बहुत खुशी वाली बात है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला बच्चे के नसीब अच्छे करे। और भाई यहाँ पर तो नहीं किसने ये शोशा छोड़ा हुआ है भाई कि बाबर लोगों ने अपना बेटा जो ना मेरी वाइफ जो सुमेरा है उसका नाम बार बार बोल रहे हैं, मुझे कमेंट कर रहे हैं कि सुमेरा का व्लॉग नहीं आया, तो उसने जो ना क्या बोलते हैं बेचारी ने यार दिल पे पत्थर रख के ना अपना बेटा नैना को दे दिया। और काफ़ी दिनों से ये चीज़ें चल रही हैं कि तो आप लोग जो ना उसको बेटा डोनेट कर रहे हो, पर ये क्या डोनेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, मतलब आप लोग उसको दे रहे हो, भाई कौन देगा? अगर देना होता तो मैं खुद बोल देता कि भाई मैं दे रहा हूँ, ये है वो है, तो नहीं क्या किसने ये बातें की हैं, क्यों की हैं, मुझे समझ से बाहर है भाई। आप ऐसे कैसे मतलब क्या आप मैं क्या बोलूँ, मतलब इन लोगों का मतलब कसूर नहीं समझता, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो रिएक्शन पर, मैंने देखा रिएक्शन भी देते हैं ऐसी चीज़ों पर। तो अल्लाह ताला से लोगों को हिदायत, मतलब मेरा हमारा भी बच्चा होगा कुछ दिनों बाद, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी है नैना का अपना ही है, अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह ताला ने उसको नवाजा है, और अल्लाह ताला जिन जिन लोगों की औलाद नहीं है उनको भी नवाजे, और क्या बोलते हैं मतलब जो लोग ऐसे हैं जो ना बातें करते हैं अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे। और जैसे वो मेरे बीच में मैंने देखा था वो अरमान मलिक वाली फैन ने, उन्होंने भी एंड में आके ना वो क्या बोलते हैं गुस्से में आकर, तो उन्होंने भी वो अपने जो टम्मी दिखा रहे थे कि भाई ये देखो ये हमारा ही बेटा ये है वो है। तो मतलब लोगों को इतना टॉर्चर मत करें कि भाई बंदा आयन में आएगा और अपनी टम्मी दिखाना शुरू कर दे। मैं मतलब कोई मर्दों का तो मैं तो अपनी टम्मी दिखा रहा था,
तो मैं ऐसी अजीब सी मतलब सोचने की बात हरकतें हैं अपनी, क्यों लोग खाम खा गुनाहगार होते हैं। और चलें भाई इसी बात को एंड करते हैं और इसी बात को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी जो ना आप लोग ऐसी बातें ना सोचा करें ना करा करें कि भाई है नहीं है कहीं से उठा के लिया ये है वो है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। अल्लाह ताला ने किसी को दिया है तो आप लोग अगर मान नहीं सकते छोड़ दें उस बात को। बाकी अगर किसी को शक है तो वो लोग जाएँ दो तलवार पे हॉस्पिटल है सेंट्रल हेल्थ के नाम से, मैंने वही दिखाया भी था उसको वीडियो के अंदर, तो वहाँ से जाके आप लोग कंफर्म कर सकते हैं कि अभी बेबी हुआ है नहीं हुआ है। और ये हो गया। और दूसरा जो ना दूसरा क्या था, हाँ, और ये जो हॉस्पिटल है ये वो हॉस्पिटल है जहाँ पर ना भाई आयत की बर्थडे हुई थी, मतलब आयत की बर्थ हुई थी, आयत भी यहीं पर ही पैदा हुई थी, मतलब बहुत पहले की बात है। तो बस ये था। और गई एक जो ना दूसरी बात ये है कि भाई लोग मुझे काफ़ी बोल रहे हैं कि आपने डीडी को जवाब क्यों नहीं दिया, डीडी जो ना आपकी वाइफ पर बात करके। तो भाई डीडी को मैं अभी क्या जवाब दूँ, कोई गैर बंदा हो ना चलो उसको बंदा जवाब दे, अभी घर का बंदा उसको मैं क्या जवाब दूँ। आप क्या चाहते हैं कि मतलब मैं उसी की तरह रिएक्शन दूँ? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मैं नेट पे आ गया यहाँ पर रिएक्शन देता रहूँ, वो भी अपनों के ऊपर, दूसरों पर दो चलो समझ आते, लेकिन मतलब अपने बहन भाइयों इन सब के ऊपर रिएक्शन देता रहूँ क्या? मतलब वो बड़े बोलते पता नहीं धोती आगे उठाओ एक तो अपनी बेइज्जती, पीछे उठाओ तो अपनी बेइज्जती, वही बात होती है। तो मेरे पास मोबाइल है, मैंने उसको बोला था कि भैया तुमने गलत किया मतलब कॉल करके। बाकी अम्मा ने भी मुझे कहा था कि आपके पास उसकी कॉल नहीं उठाना, तो ये सीन हो सकता है। बाकी भाई उसने बोला है तो फिर अल्लाह ताला, देखो मैं अभी उसको क्या बोलूँ बताएं मुझे, नेट पे आके अभी मैं क्या उसको गालियां दूं, मुझे बताएं। अगर मैं उसको गालियां दूंगा तो मैं फिर भी वो जैसे बोलते हैं किचन में जो ना पत्थर मारोगे तो वो छींटे तुम पर भी आएंगे, तो वही बात ना। अगर मतलब मैं उसको कुछ यहाँ पर नेट पर आके गाली गलोच करूँ कुछ करूँ तो समझो मैं अपने आप को ही दे रहा हूँ। अगर मैं भी उसको तो ये बातें उसको सोचनी चाहिए, बड़ा वो है ना कि मैं हूँ, और जो ना उसको सोच समझ के करनी चाहिए। जैसे उसने मेरी वाइफ को बोला कि भाई उसको बच्चे को करंट लगा था नहीं दिखाना चाहिए, भाई यही बात आप मुझे नेट पर बोल देते, मतलब नेट पे बोल कॉल करके बोल देते तो मैं यहाँ पर उनकी वीडियो डाल देता, बस अगर आपको इतनी बुरी लगी थी तो। बाकी आपने जो बातें की हैं फिर ये भी आपको सोचना चाहिए था कि भी आप भी नेट पर आके ये बातें नहीं करते, तो जैसे घर की बातें घर में रहनी चाहिए तो वैसे ही रहना चाहिए। यहाँ पर कितनी बातें होती हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह से कभी भी घर की बातें बाहर नहीं लेकर आते, तो डीडी को भी यही चाहिए कि घर की बातें बाहर नहीं लेकर आए। बाकी अभी जो ना वो डीडी जो ना अपनी किस ट्रैक पर है क्या है, अल्लाह ताला उसको हिदायत दे। बाकी और हम कुछ नहीं कर सकते। देखें मैं जो ना सब कुछ खो के बैठा हूँ, अकेला बंदा हूँ, अब्बा भी नहीं है, मतलब अब्बा भी चले जाते हैं कभी कोई होता है कभी नहीं, तो घर में सिर्फ मैं ही होता हूँ, तो मुझे जो ना ये पहले भी बहुत सारी टेंशन प्रॉब्लम्स होती हैं इंसान को, मतलब एक अकेला बंदा घर को देख रहा होता है और जो ना घर पर ऐसे देखो फील होता है एक आपको ना कि आपके जो ना घर के रिश्ते बहुत अच्छे थे, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, एकदम से सब कुछ ऐसे पलट हो गया है, ना आपके पास कोई रिश्ता है ना कोई है, मतलब घर पर कोई नहीं, सिर्फ अकेला बंदा हूँ, मतलब एक ज़बरदस्ती की जैसे रिश्तेदारी होती तो वही, मतलब ना आपने देखा होगा कि मेरे घर पे कोई मेहमान आ रहा है ना कोई जा रहा है ना कुछ है, तो मतलब यहाँ पर जितने भी रिश्तेदार हैं इनके साथ हमारा कभी आना जाना था ही नहीं, और ना ही ये अभी लोग आते, मतलब YouTube के बाद थोड़ा कुछ आने लगे जान लगे, तो ये कुछ है। बाकी यहाँ पर मैं बिल्कुल अकेला सा होता हूँ ना, और मैं जो ना ज़्यादा कुछ सोचना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं मतलब यहाँ पर खुल रहा, मतलब जैसे एक अपना घुमा फिरा के एक अपना जो ना रूटीन दिखा जाता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि बस वही लगी रहे। बाकी ये क्या अभी मैं अपनी मतलब किसी भी रिश्तेदार के ऊपर रिएक्शन दूँ, ये करूँ वो करूँ, या अपने भाई पर बहन पर, तो वो मतलब मेरे अपने मैं मतलब ऐसा लगता है कि बंदा अपने आप को ही बोले। लोग मुझे बोले कि भाई आप अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट नहीं करते, ये नहीं करते। रिस्पेक्ट क्या होती है भाई? रिस्पेक्ट मैं अपने अगर अपनी वाइफ को गाल दे रहा हूँ कुछ करूँ, तो फिर एक बंदा ऐसा है कि जो ना उसको जो ना अभी नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा, तो देखो उसका भी चैनल है, उसने ये चीज़ें कर करके ना अपना चैनल देखें ख़त्म कर दिया, तो लेकिन अभी भी उसको समझ नहीं आ रही, तो फिर ऐसे बंदे को आप लोग क्या कह सकते हैं बताएं? तो मतलब जब तक अल्लाह ताला किसी को हिदायत दे तो दे, जब तक नहीं दे तो फिर कोई बंदा जो ना किसी जगह पर नहीं रहता। तो बस यार मुझे मैं ना ज़्यादा बातें अभी यहाँ पर क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, बस यही बोलना चाहता हूँ कि भाई मुझे माफ़ कर दे मेरे अगर कोई बात आपको गलत करके। मैं अपने व्लॉग में कुछ ऐसा लेकर नहीं आता कि भाई आपको लोगों को ना बुरा लगे, इसीलिए मैंने काफ़ी अरसे से मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं कोई रिएक्शन नहीं दूंगा कुछ नहीं करूंगा और ना ही मैं इन चीज़ों पर अभी बात करता हूं। तो मैं हट गया हूं, मेरी वीडियो चलती है नहीं चलती अल्हम्दुलिल्लाह से, भले थोड़ी चलती है जितनी चलती है, लेकिन वो एक ऐसी होती है कि मेरे अपने घर की रूटीन पर होती है, ना कि किसी की बुराई के ऊपर होती है ना किसी के ऊपर होती है। तो वो जितनी भी चलती है अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह ताला मुझे उस चीज़ से नवाज रहा है, मतलब उनसे ये है कि मेरा कुछ ना कुछ जमा हो रहा है। अगर मैं ये ज़्यादा व्यूज़ रिएक्शन इन सब लालच में पड़ता ना तो पैसे बहुत कमाते, लेकिन होता कुछ नहीं। देखो मेरे भले थोड़े व्यूज़ आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, मेरे पास अभी सब कुछ है,
तो मेरे पास जितना है मैं उन सब चीज़ों पे अल्हम्दुलिल्लाह करता हूँ। मतलब ये थोड़े नहीं है, मेरे लिए बहुत हैं। ये इतने हैं कि मेरे पूरे घर का सर्किट चल जाता है। मैं बाहर घूमता हूँ, फिरता हूँ, खाता हूँ, जो कुछ करता हूँ, मेरा इन सब चीज़ों से सर्किट चल जाता है। तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है किसी के ऊपर रिएक्शन देने की, कुछ करने की। बाकी जो ना क्या बोलते हैं, लोगों को जवाब देना, ये करना, वो करना, ये जो ना खुदा की ज़ात के ऊपर होता है। अल्लाह ताला बोलता है, कोई आपको बुरा बोल रहा है, कुछ कर रहा है, आप लोग चुप रहो, चुप रहो, सब्र करो, और हर चीज़ का जवाब अल्लाह ताला खुद ही देता है। और मैंने काफ़ी बार आजमाए, काफ़ी लोग, काफ़ी रिएक्शन वाले ऐसे ऐसे हैं जो मेरे ऊपर ना डेली रिएक्शन दिया करते थे। मतलब शुरू में तो नहीं थे, बीच में काफ़ी लोग शुरू हुए थे, काफ़ी लोग मेरे खिलाफ खड़े हुए थे, क्योंकि मैं एक वाहिद बंदा हूँ जो कि किसी के हाथ हाथ तक नहीं आया हूँ। ना ही मेरी ये सबसे अच्छी आदत है कि मैं किसी से बात ही नहीं करता भाई। आप किसी से मतलब ऐरे गहरे नथू गहरे से बात ही ना करो, ना ही आप कभी गंदे हो गए, ना ही मैं किसी के खिलाफ बात करता हूँ, ना किसी के हक में बोलता हूँ। तो इसी लेकिन मेरे पीछे काफ़ी लोग पड़े थे, लेकिन मैंने यकीन माने सिर्फ यही दुआ की थी कि अल्लाह ताला से एक यही था कि भाई मैं किसी को जान दूंगा, आप ही दूंगा। और मैंने ये देखा कि वो लोग आपस में ही लड़ भिड़ रहे, सही है, और आज उनका नामो निशानी नहीं है। वो सब आपस में लड़ते फिरते, आज भी वही है, वो आपस में लड़ रहे फिर रहे, मेरा उनको टाइम ही नहीं है उनके पास कि वो मुझे मतलब आके खाम खा मतलब जैसे जो रिएक्शन दे मेरे ऊपर। तो अल्लाह ताला ने उनको ऐसा दिया है। तो फिर यही होता है, आप लोग सब्र करें, हर चीज़ का जवाब देने वाली खुदा की ज़ात है। इंसान को सिर्फ सब्र करना चाहिए। और जो ना बाकी रिश्तेदार बहन भाइयों के ऊपर, इनके ऊपर रिएक्शन दे के मुझे जो ना जो मतलब क्या बोलते हैं, चांद एक पैसे कमाने, वो मैं नहीं करता। बाकी जो क्या बोलते हैं, वो दे रहे हैं तो उनसे अल्लाह पूछेगा, जो भी दे रहे हैं उनसे अल्लाह पूछेगा। बाकी अगर भाई कोई भी मेरा पर्सनल मैटर होता है ना किसी के साथ, कोई भी है घर मतलब रिश्तेदारों में से, तो मेरे पास सबसे पहले तुम्हारे चलो मेरे पास मोबाइल है, मैं उसी के ऊपर अपना मसला हल कर देता हूँ, पर इधर उधर कोई झगड़ा नहीं रहता। इसलिए मतलब कि क्योंकि मेरे पास मोबाइल है, सब कुछ है। ये आप सबको भी मतलब सोचना चाहिए कि एक बंदे के पास अगर मोबाइल है तो उसके पास सब रिश्तेदारों सबके नंबर भी होंगे, तो मुझे जिससे भी जो प्रॉब्लम होती है मैं उसको कॉल कर लेता हूँ, तो नेट पर आने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यही है, मैं बस नेट पर वो दिखाता हूँ जो नेट पर चीज़ें चल रही हैं, मतलब कोई घूम रहे हो फिर रहे हो, ये चीज़ें जो एक रूटीन होती चल रही थी मैं वैसा दिखा रहा होता हूँ। तो अगर आपको मेरी बात समझ आए तो ठीक है, नहीं समझ आती तो मतलब कोई किसी को समझा नहीं सकता। पसीना आ गया, पंखा बंद करके बैठा था क्योंकि भाई साहब वो क्या बोलते हैं अरे भाई पसीना आ गया, पंखा वो इसके अंदर शोर आता है इसीलिए। तो गाइस इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं, आज एक बहुत अच्छा दिन था, अलग अच्छा दिन गुजरे। तो बस इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं कल एक नेक्स्ट व्लॉग में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बस अल्लाह।